हेलो क्लास एट, टुडे आई एम टीच यू अ लेटर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज हर मदर. दोस्त को आपने ख़त लिखना है जिसमें आपने उनकी मदर की फौतगी पर अफसोस करना है. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, December 16, 2009. डियर फ्रेंड, आई वॉज शॉक टू हेयर द सैड न्यूज़ ऑफ योर मदर अनटाइमली डेथ. मुझे आपकी अम्मी की फौतगी का बेवक्त फौतगी का बहुत ज़्यादा अफसोस है. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग ऑफ सोरो एंड ग्रीफ ऑन हिज सैड ओकेजन. इस मौका पर मैं अपने दुख और गम का इजहार नहीं कर सकता. आई हैड अ स्पेशल अटैचमेंट विद हर. मेरी उनके साथ खास एक लगाव था. शी लव्ड मी एज हर ओन सन और डॉटर. इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू राइट हेयर अ डॉटर. मुझे वो अपने बेटों की तरह या बेटी की तरह मोहब्बत करती थी. वेन एवर आई रिमेंबर हर लव एंड अफेक्शन, मुझे उनकी मोहब्बत और लगाव जब भी याद आता है, टीयर बिगन स्प्रिंग आउट. मेरी आंखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं. फ्रॉम माई आईज स्पॉन्टेनियसली, बेसाख्ता आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं. शी वॉज द मॉडल ऑफ पिटी, सेगेस्ट्री एंड विजडम. वो एक रहम दिली और अच्छा अखलाक और अक्लमंद खातून थी. Indeed, it is an unbearable loss. दर हकीकत ये एक बहुत ही नाकाबले बर्दाश्त नुकसान है. You and your younger brother and sister, तुम्हारे छोटे बहन भाई, have lost a sincere, affectionate mother. एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाली माँ से महरूम हो गए हैं. Your father has also lost a faithful and true life partner. तुम्हारे वालिद एक वफादार और सच्चा लाइफ पार्टनर से महरूम हो गए हैं. मे गॉड रेस्ट हर सोल इन पीस, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे. आई एम विद यू इन दिस टाइम ऑफ ट्रायल, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ. प्लीज़ कन्वे माई सिंपथीज, मेरी हमदर्दियाँ प्लीज़ कन्वे कर देना, पहुँचा देना टू ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को. योर सिंसियरली XYZ. थैंक यू. प्लीज़ राइट डाउन दिस लेटर इन योर कॉपी. लर्न प्लस राइट. थैंक यू.